नमस्कार दोस्तों, आज जो एक्टिंग का जो पेपर हुआ था 2023 के लिए, उसके पेपर के जो क्वेश्चंस आए थे उसमें, वो पूरे डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में हम। और किसी ने दो किसी ने चार हेल्प करके ऐसे करके पूरे क्वेश्चंस हमें मिल गए। लगभग 17 से 18 क्वेश्चन मुझे मिले हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, इनका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको और कोई क्वेश्चन याद हो तो मुझे कमेंट जरूर कर देना, और भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अगर इसमें कोई गलती होती है तो भाई माफ़ करना, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं आपको सभी को पता है, पेपर तो कोई देता नहीं है, साथ में FTAI वहीं पर रख लेता है एग्जाम सेंटर में ही। तो ये किसी से चार किसी से दो लेकर के ऐसे करके मैंने ये क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, तो इनका आंसर भी आप देख लेना। अगर मैं सही नहीं बताता हूँ तो कमेंट करके जरूर बताना, और जिनके पेपर कल हैं वो लोग भी भाई कमेंट कर देना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने लिंक में दे रखी है, तो वहां से मुझे फॉलो कर लेना, और मुझे क्वेश्चन जरूर बताना जिनका कल पेपर है, डायरेक्शन और सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग इनका सबका। तो ये एक्टिंग का क्वेश्चन पेपर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो पंचतंत्र, ये ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन मैंने जो ऑर्डर में लिखा है वो मैं बताता हूँ। पंचतंत्र किसने लिखा था? तो ये विष्णु शर्मा ने लिखा था, पहला क्वेश्चन ये है। उसके बाद फिर भारत की पहली फिल्म जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड हुई थी, तो ये आप सभी को पता ही है, मैंने ऑस्कर कवर करवाया, तो उसमें मदर इंडिया, और वैसे भी सभी को पता है यार पूरा इंडिया में कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड पहली मूवी जो थी वो मदर इंडिया ही थी। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स किसने लिखा? तो जो पॉलिटिक्स जो अर्थशास्त्र है, ये पॉलिटिक्स की जो बुक है वो अरस्तु ने लिखी है, अर्थशास्त्र। सॉरी मैं जल्दी जल्दी मैं गलत बोल देता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए थोड़ा स्पीड से बोलना पड़ता है। तो उसके बाद फिर सुपरनोवा क्या है, एक क्वेश्चन जो आया था सुपरनोवा क्या है, तो ये तारे का भयंकर विस्फोटक जो होता है ना, उसको बोलते हैं सुपरनोवा। ये मुझे इंटरनेट पे मिला है, अगर आपको कोई इसका आंसर मिलता है दूसरा तो मुझे जरूर बताना। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये मेरठ से स्टार्ट होती है, ये 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट होती है, ये याद रखना, कल किसी का क्वेश्चन पेपर हो तो उसमें आ सकते हैं ये क्वेश्चन। और भारत को कितने राज्य जो है टच करते हैं, भारत के कितने राज्य टच करते हैं ये जो कोस्ट लाइन से जो समुद्र है उससे, तो इसका आंसर 9 आएगा, 9 राज्य जो है वो समुद्र से टच करते हैं। इसमें लिस्ट तो मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन इस बार जो है पूरा GK डाल दिया है एक्टिंग के क्वेश्चन पेपर में भी भाई, और एक तरफ बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन आए हैं। फिर उसके बाद जो आया था कॉस्मिक कैलेंडर, कॉस्मिक कैलेंडर किसने लिखा या किसका है, किसका बनाया हुआ है कॉस्मिक कैलेंडर? तो ये देखिए कार्ल सेगन जो एक राइटर हैं, ये एक जो है पुराने वो हैं क्या बोलते हैं, तो कार्ल सेगन, ये इंटरनेट पे मुझे जानकारी मिली, कॉस्मिक कैलेंडर आप सर्च करना किसने लिखा है किसने बनाया, तो उसमें कार्ल सेगन इसका आंसर आएगा। फिर उसके बाद फिर एक क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, तो इसका जो आंसर है वो है महाभारत। सुन दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, ये क्वेश्चन का आंसर ये है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य पूछा था, तो इसका जो आंसर है वो यूपी है, आप सभी को पता ही है यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। उसके बाद फिर इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये बुक किसने लिखी है, इसके ऑथर कौन थे? तो ये महात्मा गांधी है, वैसे भी ये मुझे तो पता था, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स मतलब महात्मा गांधी जो थे अपने सपनों का जो इंडिया बनाना चाहते थे, लेकिन इन अनफॉर्चुनेट। और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आया था क्विक सिल्वर, तो क्विक सिल्वर पे ऊपर जो क्वेश्चन आया था ना उसका आंसर था मरकरी। और उसके बाद फिर जो ATM पे क्वेश्चन आया था कि डिसेबल्ड पर्सन जो अंधे लोगों के लिए सबसे पहले ATM किस बैंक ने खोला था भारत में, तो इसका आंसर मुझे इंटरनेट पे नहीं मिला, लेकिन पहला जो बैंक है वो HSBC बैंक ने ही सबसे पहले ATM दिया था 1987 में इंडिया में, ये याद रखना थोड़ा सा। बाकी इसका आंसर परफेक्ट क्या है ये आप लोग बताना, आपने क्या करके आए हैं जो एक्टिंग वाले हैं बोलो। फिर उसके बाद फिर बिस शेक्सपियर ड्रामा इज नॉट एडोप्टेड बाय विशाल भारद्वाज, तो इसका जो आंसर आता है वो है किंग लेयर, किंग लेयर ये जो है अडोप्ट नहीं किया था विशाल भारद्वाज ने। और उसके बाद फिर एक जो क्वेश्चन है वो कैरेक्टर्स ऑफ हेमलेट क्या है, हेमलेट ऐसा करके ये कुछ एक, तो हेमलेट जो है हेमलेट एक शेक्सपियर का एक ये है नाटक है, तो
इसके बारे में, इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आया था, अगर किसी को पता है परफेक्ट तो भाई बताना क्या है इसका। और उसके बाद फिर जो क्वेश्चन आया था वो न्यू इंडियन सिनेमा और पैरेलल सिनेमा जो मूवमेंट है उसके बारे में एक क्वेश्चन आया था ये। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आया था, ये एमएसक्यू में बता रहा हूँ एक्टिंग का, ये निम्न में से कौन कौन से नाट्य शास्त्र में भरत मुनि द्वारा दिए गए अभिनय के प्रकार हैं, तो ये आंगिक और वाचिक और सात्विक और आहार्य, ऐसा ये करके चार ऑप्शन थे, मुझे एक फ्रेंड ने बताया व्हाट्सएप पे। तो ये चार में से इसका आंसर क्या होगा मुझे तो नहीं पता भाई, किसी को पता हो तो जरूर बताना। उसके बाद में फिर निम्न में से भरत मुनि ने नाटक के कौन से धर्म बताए हैं, तो इसमें नाट्य धर्म, लोक धर्म और राज धर्म, ये तीन ऑप्शन तो ये हैं। एक ऑप्शन और कोई सा था, अगर किसी को पता है तो बताओ, शायद राष्ट्र धर्म ऐसा कुछ रहा होगा जिसने बताया, वो बता रहा था मुझे। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये तीन ऑप्शन और एक ऑप्शन अगर किसी को पता है तो वो कमेंट करके जरूर बताए, उसमें से अगर कुछ मैंने गलत बोला है तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि मैं थोड़ी मिस्टेक्स जो है वो सुधार लूँ। बाकी FTA की वेबसाइट पे जब क्वेश्चन पेपर जब अपलोड होगा तो उसका तो सॉल्यूशन फिर अपन सॉल्व कर ही लेंगे। बाकी ये सॉल्व किया है जो जिनके आज जो नंबर, आप चेक कर लेना आपने इसमें से क्या क्या करके आए हैं, और कमेंट बॉक्स जरूर चेक करना, उसमें कुछ लोग सही भी बताते हैं, ऐसा नहीं है कि सही नहीं बताते। आज जो मैंने पेपर्स डाले ना उनमें से भी कई क्वेश्चन मैंने गलत बताए हैं उनका आंसर, तो उसमें भी लोग बाग जो है एस्पायरेंट्स FTA के वो बताते हैं कि इसका आंसर ये आएगा इसका आंसर, तो कमेंट बॉक्स जरूर चेक करना। उसके बाद जिनका पेपर कल है उनको सभी को ऑल द बेस्ट, और कल जिनका पेपर है वो क्वेश्चंस भाई मुझे जरूर सेंड कर देना, मैं लाइव रहूंगा आपके साथ में चैनल पे, तो जैसे ही एग्जाम सेंटर से निकलो वैसे ही मुझे है ना मैसेज कर देना या तो कमेंट कर देना, जहाँ पर भी आप मुझसे कांटेक्ट में हो वहाँ पर जो पेपर में जो क्वेश्चंस आपको जितने भी याद रहते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मुझे है ना कमेंट जरूर कर देना या फिर मैसेज कर देना, जो लोग व्हाट्सएप पे, और जिन लोगों ने इस ये जो क्वेश्चन दिए हैं उन सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। वैसे तो पर्सनल मैंने उनको थैंक यू बोला है, लेकिन यार अब FTA तो पता नहीं कब क्वेश्चन पेपर लेके आता है और कब अपलोड करेगा, वो तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर ये पता कर सकते हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि ये पेपर कुछ लोगों को बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, कुछ लोगों को बहुत इजी लग रहा था। इजी तो था वैसे, क्योंकि जनरल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे GK के, जो मैंने बोला था कि GK से क्वेश्चन नहीं आते भाई, बहुत सारा GK घुसेड़ दिया यार। तो कल जिनके पेपर है भाई थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि GK के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे आए हैं, इतने आज तक किसी भी एक्टिंग के क्वेश्चन पेपर में इतने सारे GK के क्वेश्चन नहीं आए। तो थोड़ा सा FTA ने जो है अपना पैटर्न जो है उसको चेंज किया थोड़ा सा, मतलब ऐसे तो कुछ नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे तो पेपर तो भाई कहीं से भी मतलब दे सकते हैं, अपन जो पढ़ रहे थे उसमें से, ऐसा जरूरी नहीं कि उसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे। तो थोड़ा सा है ना अपना ध्यान रखना, और है ना GK भी आजकल पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस बार तो हमने गलती कर दी, लेकिन अगली बार कोई गलती नहीं करेंगे, GK भी पढ़ेंगे, इंडियन सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा। वर्ल्ड सिनेमा से तो यार क्वेश्चन ही नहीं है ज़्यादा, एक आध कोई क्वेश्चन आया होगा, बाकी वर्ल्ड सिनेमा से एक्टिंग में कोई क्वेश्चन नहीं आया। कल जो पेपर होंगे उनमें शायद कोई क्वेश्चन आ जाए, बाकी इनमें तो एक्टिंग वाले में आज में तो कोई भी क्वेश्चंस नहीं आए, बाकी कल आते हैं तो उसका पता नहीं, लेकिन भाई ऐसा ही होगा, क्योंकि सबके अलग अलग पेपर लेंगे ना, तो इतने सारे क्वेश्चंस कहाँ से लेके आएंगे। इंडियन सिनेमा तो पिछले 100 साल का ही हिस्ट्री है, उसमें से इतने सारे पेपर कैसे बनाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने GK एक्टिंग में ज़्यादा डाला है इस बार, और एक्टिंग में क्या ये एक तरह से जो आर्ट एंड जो कल्चर था ना, आर्ट एंड कल्चर, उसमें से भी बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, तो पूरे GK के क्वेश्चन डाल दिए उन लोगों ने। उसके अलावा जिन लोगों का कल पेपर है भाई क्वेश्चन जरूर मुझे कमेंट करना, और इसमें से कितने मैंने गलत आंसर दिए हैं और कौन सा क्वेश्चन सही नहीं था, किसी ने गलत भी बताया हो, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने वीडियो बनाया था ना पेपर के ऊपर उस टाइम पे काफ़ी गलतियां थी, तो काफ़ी लोगों ने बोला था कमेंट करके कि भाई ये क्वेश्चन गलत है, आप ये गलत बोल रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। बाकी जिनका कल है ना वो जरूर मुझे कमेंट कर देना, कल पेपर दे के आओ वैसे ही, और इसमें से जो क्वेश्चंस गलत हैं या जिनके सही आंसर आपको पता है वो मुझे कमेंट जरूर करना। लेकिन किसी के पास अगर टाइम है अभी, जिनका पेपर कल है वो है ना कोई मैगजीन, पिछले 1 साल की कोई मैगजीन जो GK का बताती हो, जैसे कि एक जो मैगजीन मैं आपको बताता हूँ कौन सी मैगजीन का अच्छा नाम है यहाँ, जो पिछले 1 साल के करंट अफेयर देती है,
तो करंट अफेयर क्या, इसमें तो करंट अफेयर के भी नहीं आए थे, इसमें तो ऑल ऑफ जीके आए थे, जैसे एटीएम के बारे में आया था, 1857 की क्रांति, तो अब सारे चीजें जो हैं पूरी हिस्ट्री और पूरा जीके पे खबर रखनी पड़ेगी, तब जाकर के एफटीए के एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगा। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बनाते जा रहे हैं, मतलब एक तरह से डिफिकल्ट पेपर था, एक तरह से इजी था। अगर मेरे पास आता तो मैं तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन में सही कर देता, क्योंकि मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन कई लोगों ने तो कुछ नहीं पढ़ा था यार, उनकी क्या हो हालत हुई होगी। तो इसीलिए बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है इसमें। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, बीच में एड आते हैं तो जरूर भाई एड जरूर देखना, स्किप मत करना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, लाइक जरूर करके जाना।